हेलो ऑल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी बज गए हैं दोपहर के 1:15 और मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है। सुबह हमने इडली सांभर चटनी खाया था तो पेट बहुत फुल हो गया है, तो थोड़ा सा लेट भी हो गया। तो अभी मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। ज़्यादा आइटम नहीं बनाऊँगी, कम ही बनाऊँगी। तो देखते हैं, सुबह हस्बैंड लेके आए थे मेथी, अभी मेथी तोड़ दूँगी और फटाफट मेथी की सब्ज़ी बना दूँगी, और अगर हो सकेगा तो मेथी के थेपले भी कर दूंगी। तो किचन में जाने के बाद पता चलेगा कि मैं क्या क्या बनाऊंगी, और जो जल्दी हो जाएगा वो करूंगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी खाना खाने का टाइम तो हो ही गया है। बस बनते बनते 2:30-3 बज जाएगा, तो देखते हैं। चलो मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। हस्बैंड का ऑनलाइन जॉब चल रहा है, बच्चे का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, यानी अभी धीरे से बात करनी होगी। और मेरा किचन पूरा मेस है, लाइट गई है, पानी भी ऐसे ही गर्म कर रहे हैं। देखो इन्वर्टर में लाइट नहीं है, ये एक लाइट होती है, मतलब लाइट गई है और इन्वर्टर चालू है, और अगर दो या तीन लाइट अगर आती है उसमें तो मतलब लाइट भी चालू है और इन्वर्टर चार्ज हो रहा है। ये सुबह को दूध मैंने गर्म किया था, अभी मैं स्टार्ट करूँगी मेथी बनाना। मेथी यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, उसको मुझे तोड़ना है तो मैं तोड़ के रख देती हूँ। ये थोड़ी सी मेथी मैंने तोड़ दी है ताकि इसका थेपला बन जाए, तो इसको मैं धो के बारीक काट देती हूँ। यहाँ पे इतना बड़ा बंच बाकी है अभी भी साफ़ करना, तो ये मैं थोड़ी देर के बाद करती हूँ। पहले इसको दो तीन पानी में धो के इसको बारीक चॉप कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे धो के मेथी को धो के बारीक कट कर दिया है। इसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़े से तिल, सॉल्ट, शुगर और तेल। अभी ये मिक्स करके इसमें आटा डाल दूंगी और आटा गूंद लूंगी मैं। थेपले का आटा बांध दिया है, अब मैं इसको ढक के रख दूंगी और जो बाकी की जो मेथी है उसको मैं तोड़ दूंगी। तब तक इसको 10 से 15 मिनट हो जाएगा। हमने ये डॉगी के लिए स्पेशली यहाँ पे पाव लेके आए हैं, सुबह मेरे हस्बैंड लेके आए, और ये इतने अच्छे से एंजॉय करके खा रहा है। तो मैंने पहली बार देखा कि ऐसे छोटे छोटे एकदम मिनी साइज के पाव आते हैं, तो ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची है कड़क पाव। इसने ऑलरेडी खा लिए 6-7, अभी मैं वीडियो निकाल रही हूँ तो देख रहा है। तो अभी मैं ये डब्बे में भर के रख दूँगी, दूसरे डॉगी आएंगे तो वो भी खाएंगे। यहाँ पे मैंने सारी भाजी तोड़ दी है, अभी इसको 2 से 3 पानी में या उससे ज़्यादा पानी में धोना पड़ेगा क्योंकि बहुत मट्टी वाली थी। तो ये सारा हो गया है और अब मैं इसको 2 से 3 पानी में धोने के बाद रफली चॉप कर दूंगी। ये मैंने भाजी धो के इसको बारीक चॉप कर दिया, इतना बारीक नहीं है, रफली चॉप किया है। उसको बनाने के लिए एक कांदा, आलू, लहसुन और हरी मिर्ची, तो मैं इसको छौंक लगा देती हूँ। सिंपल सी सब्ज़ी बनेगी आलू मेथी की, पर मैं उसमें कांदा भी डालती हूँ। जैसे मेरी फैमिली में बनता है मैं वैसे ही बनाऊँगी। इसमें मैंने अभी तेल ले लिया है, अब ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, इसमें कोई मसाले नहीं डालने हैं, सिर्फ थोड़ी सी हींग डालूंगी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूंगी मैं। तो अब ये थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसमें हींग और ये लहसुन जो है वो मैं डाल दूंगी, लहसुन और हरी मिर्ची। इसको सिर्फ आलू मेथी भी बना सकते हैं, जैसे आलू को बॉईल करके लहसुन और हरी मिर्च का तड़का देके आप आलू मेथी भी बनाते हैं, पर मेरी फैमिली में पहले से ऐसी ही मेथी बनते आई है और हमको ऐसा ही पसंद है, तो मैं यही बना जैसे ही बनाती जो सबको पसंद आता है। तो आप चाहे तो प्याज स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें कांदा डाल दूंगी, यहाँ पे मैंने कांदा डाल दिया है। अब मैं डाल दूंगी इसमें हल्दी पाउडर, अब इसमें मैं डाल दूंगी आलू। ये अच्छे से ये हो गया है, अब मैं इसमें मेथी डाल दूंगी। इसमें मैंने मेथी डाल दी है, नमक डाल दिया है और थोड़ी सी शुगर डाली है, अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसको सबको मिक्स कर दूंगी और ये मेथी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तब तक पकने दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको मैं खुले में ही पकाऊंगी, इसको ज़्यादा ढकूंगी नहीं अभी मैं,
और यहाँ पे मैं पुलाव बना रही हूँ, इसके लिए मैंने अनियन, टमाटो, गाजर, बीन्स, कैप्सिकम, भिगे हुए वटाने हैं मेरे पास, थोड़ा सा लहसुन, ये सबको मिक्स कर दूँगी। अगर आपके पास और वेजिटेबल्स है, पनीर है, सोयाबीन है या कोई स्प्राउट्स है तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो ये वन पॉट मील हो जाता है। तो अब मैं पुलाव बना लूँगी। पुलाव की रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पे भी है, अगर आप चाहें तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। उसका नाम है, चैनल का नाम है कविता स्पैशन, तो आप उसमें भी पुलाव की रेसिपी देख सकते हैं। मैंने कुकर में तेल और घी मिक्स किया है, अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी जीरा। आप चाहे तो खड़े गरम मसाले भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा राई भी डाल सकते हैं, पर मैं आज स्किप कर रही हूँ तो मसाला बात हो जाएगा। थोड़ी सी हींग, हींग जनरली मेरे सारे चीज़ों में होती है। और अब मैं सारी वेजिटेबल्स एक साथ इसमें डाल दूँगी। मैंने सारे वेजिटेबल्स इसमें एक साथ डाल दिए हैं, अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। लाइट चली गई, आपको बीप का आवाज़ आया होगा। तो इसको सब मिक्स कर दूँगी। इसमें अगर आपके पास एक आध बैंगन हो तो बैंगन भी आप काट के ऐसे बड़े पीस करके डाल दीजिए। और पुलाव में सब वेजिटेबल्स एक ही साइज़ के कीजिए, अगर आप लंबे कर रहे हो तो लंबे कीजिए, अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर कीजिए, उससे पुलाव का लुक बहुत अच्छा आता है राइस का। और आप इसको नॉर्मल जो राइस होता है उसमें भी खा सकते हैं, बासमती में भी खा सकते हैं। दालें अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ भी भिगाया हुआ चना हो गया या कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये वन पॉट मील बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ सिर्फ अचार पापड़ मिल जाए, दही, तो भी बहुत टेस्टी लगता है ये। अब इसमें मैं बेसिक मसाले डाल दूँगी। मैंने इसमें बेसिक मसाले में हल्दी पाउडर, मालवनी मसाला, गरम मसाला डाला है, थोड़ी सी चीनी डाली है। चीनी डालने से राइस का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और इसको मैं मिक्स कर दूँगी। अगर आपके पास मालवनी मसाला ना हो तो आप कोई भी रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, धनिया जीरा पाउडर डाल सकते हैं, या फिर कोई भी आप बिरयानी मसाला, पुलाव मसाला भी डाल सकते थे। ये बहुत टेस्टी लगता है, बिलीव मी, ये बहुत टेस्टी लगता है। फ्रिज में जो भी बची हुई सब्जी हो, एक आध सब्जी हो, तो एक 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 बच जाती है, तो ये बहुत अच्छा वन पॉट मील बन जाता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं इसमें सॉल्ट डाल दूँगी। आज लाइट फ्लिकर हो रही है, घड़ी घड़ी आ रही है, जा रही है, तो आपको वो इन्वर्टर का आवाज़ आता होगा। और यहाँ पे मैंने ये चावल ले लिए, मैंने भिगाया नहीं है क्योंकि प्लांट नहीं था। ये एक कटोरी चावल लिया है, यहाँ पे दो कटोरी मैंने पानी लिया है, दो से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे सॉफ्ट चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी पापा खाएंगे तो मुझे ज़्यादा खिला खिला या बिरयानी पुलाव जैसा नहीं चाहिए, मुझे सॉफ्ट चाहिए मम्मी पापा के हिसाब से, तो मैंने थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे अभी पानी बॉईल हो रहा है, चावल भी मैंने धो दिए, अब मैं चावल इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे दूसरी साइड में सब्जी भी हो रही है, इसको भी मैं 5 मिनट रखूँगी, इसका पानी सूख जाए फिर बंद कर दूँगी। मैंने इसमें राइस डाल दिया है और अब मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी और 2 सीटी आने तक इसको पकाऊँगी। मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आ जाएगी, फिर 5 मिनट उसको स्लो गैस पर रखूँगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मेथी की सब्जी हो गई है, अब मैं इसका गैस ऑफ कर दूँगी। इसका पानी सब ड्राई हो गया है। आलू इसमें पहले पका लेने होते हैं ढक के 10 मिनट, क्योंकि मेथी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप आलू के साथ ही डालेंगे तो मेथी के पानी में वो पक भी जाएगा, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मेथी जल जाती है, इसलिए मैं पहले आलू पका लेती हूँ उसके बाद मैं मेथी डालती हूँ, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको मैं अब बंद कर दूँगी। अब मैं थेपला बनाना स्टार्ट करूँगी। ये आटा रेस्ट हो के 15 से 20 मिनट हो गया, इसके ऊपर तेल डाला है, अब इसको वापस से मैं इसको घोट लूँगी तो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे थेपले, और इसके बाद मैं थेपला बनाना स्टार्ट कर दूँगी। आटा मैंने अच्छे से तेल लगा के घोट लिया है, और अभी कुकर यहाँ पे भी 2 सीटी होने के बाद एकदम लो फ्लेम रखा है, बस 5 मिनट, 3 से 4 मिनट। ये सुबह को मैंने डोसा बनाया था, वो एक रह गया है, वो शाम के चाय के साथ हम लोग खाएंगे 4 पीस करके। तो अभी मैं थेपला बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। ये कुकर हो गया है, 3 से 4 मिनट हो गए,
इसको भी मैं बंद कर दूंगी और यहाँ पे थेपले बना दूंगी और खाना दे दूंगी फटाफट मम्मी पापा को और मेरे बच्चे को। हस्बैंड को भी इतनी भूख नहीं लगी है, पर उनको भी दे दूंगी थोड़ी देर में। यहाँ पे मैंने एक थेपला बना लिया है, ऐसे ही मैं अभी सारे थेपले बना दूंगी। तो बहुत सॉफ्ट और मस्त बनते हैं ये, आप ट्रैवलिंग में भी आप लेके जा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो ये मैं रख दूंगी और ऐसे ही मैं बाकी के थेपले बना लूंगी फटाफट। इसका ये प्रेशर निकल गया है, अब मैं कुकर खोल दूंगी। यहाँ पे थेपले भी आधे बन गए हैं तो मैं फटाफट इनको खाना दे दूंगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और मैं इसका इनका मम्मी पापा का थाली कर दूंगी। ये पुलाव मैंने खोल दिया है, अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। ये पुलाव मैंने निकाल लिया है, बहुत मस्त बना है पुलाव। तो अब मैं सबकी थाली लगा देती हूँ। ये मम्मी पापा की थाली रेडी हो गई है, पुलाव, मेथी की भाजी, पापड़, थेपला। अचार वो लोग नहीं खाते, मैं लेके खाऊंगी। तो ये दोनों की थाली रेडी हो गई है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।